नमस्कार दोस्तों, आपने गंगा दशहरा के बारे में तो जरूर सुना होगा। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है जानिए इस वीडियो के दौरान। कहते हैं ज्येष्ठ दशमी के दिन भागवती जी ने गंगा जी को धरती पर बुलाया था, अवतरण कराया था, इसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन गंगा में जाकर नहाते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, गरीबों को खाना भी दान करते हैं। मान्यता है कि भागवती के पूर्वजों को श्राप मिला हुआ था, जिस श्राप को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर बुलाया जा सके। पहले गंगा ब्रह्मा के कर्म मंडल में रहती थी। कहते हैं घोर तपस्या करके भागवती जी ने उन्हें धरती पर बुलाया था, जिसे अवतरण भी कहा जाता है। कहते हैं गंगा दशहरा के दिन लोग इलाहाबाद, ऋषिकेश या फिर वाराणसी में जाते हैं। लोग कहते हैं यदि आप दशहरा वाले दिन स्नान करते हैं तो आपके जितने भी किए हुए पाप हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। इस पर्व पर लाखों लोग गंगा पर स्नान करने जाते हैं। कहते हैं दशमेधवर घाट पर गंगा की आरती करके अपने पाप को समाप्त करके और नए जीवन की अनुकंपा करते हैं। कुछ लोग इसे दशहरा दशमी भी मनाए जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन गंगा दशहरा की पूजा में समापन के टाइम पर यदि आप हैं तो आपके जितने भी किए हुए पाप हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे गंगा दशहरा के कुछ ऐसे कारण जिनके बारे में आप इस वीडियो के दौरान जानेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।